हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यूज ऑफ सम और एनी की एक्सरसाइज की थी लास्ट एंड लास्ट सेकंड आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी। एक्सरसाइज टू सबने कर ली होगी। एक्सरसाइज टू एंड एनी का अपना वर्क कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर है 13 आपके बुक में एंड यूज ऑफ एंड इधर तो आर एंड वॉज का यूज होगा, बट इनका अगर
these sentences begin with their end are used in
टेबल, तो देयर किसके लिए यूज हुआ है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं देयर का, आ रहे हो एज ए वर्ब के रूप में यूज हुई है थ्री बुक्स। अब हम बोले थ्री बुक्स ऑन द टेबल, तो ये कंप्लीट नहीं था सेंटेंस, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो देयर क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। एंड आर इज वर्ब के रूप में यूज होती है। अब आर यूज इसके बेसिस पे हुई है थ्री बुक्स। थ्री बुक्स आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, इसलिए आर यूज होती है इस और आर में से। सो देयर आर थ्री बुक्स ऑन द टेबल। ऐसे देयर वाज ए मैथ टीचर, देयर वाज ए मैथ टीचर, सो इसमें भी देयर का यूज किसने हुआ है? ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर क्या होता है? उस सब्जेक्ट का जो एब्सेंट है, हमें सब्जेक्ट उसकी प्रेजेंस दिखा रहा है कि सब्जेक्ट है। वाज इज वर्ब के रूप में यूज हुई है एक मैथ टीचर, तो जो सब्जेक्ट है एक मैथ टीचर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया? वाज यूज किया है। सो देयर वाज ए मैथ टीचर। अब ये बोले ए मैथ्स टीचर, तो ए मैथ्स टीचर किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट आई से देयर वाज ए मैथ टीचर, तो मैं किसी पर्सन के बारे में बता रही हूँ। देयर वाज ए मैथ टीचर, तो देयर होता है जो सेंटेंस को क्या करता है? कंप्लीट करता है, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो। देयर इज ए क्राउड ऑफ पीपल, देयर इज ए क्राउड ऑफ पीपल। सो दिस सेंटेंस में भी देयर क्या है? सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में हमने देयर का यूज किया, इज एज ए वर्ब एंड ए क्राउड। एक क्राउड क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने किसका यूज किया है? इसका यूज किया है। देयर इज ए क्राउड ऑफ पीपल, तो देयर क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है इसको। नॉट अवे आदर, there were so many elephants,
There were many girls in the field. So यहाँ पे भी many girls in the field is not complete. So we use their were. Their is the subject. Were is adjective verb. And were they use किसके according हुआ है? Many girls. Girls. एक girl तो है नहीं है. Many girls. I don't know how many girls. But many girls. So were is used according to girls in the field. आया सबको समझ में कि देर का यूज कैसे होता है, क्यों होता है एंड कहां पर होता है? नोट कर लो इन्हें.
required. Fifth question is, once upon a time, there blank a genie. So fourth question is, there blank nobody in the class, it was almost quiet. तो क्या है इसका मतलब कि क्लास में कोई भी नहीं था? इसलिए बात कर रहे हैं ना, पास्ट में इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट, वो कैसी थी? बिल्कुल क्वाइट थी। तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, इसमें कि वाज क्वाइट थी, तो उस टाइम क्लास में कोई नहीं था, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो नोबडी इज सिंगुलर, सो वी यूज वाज। देयर वाज नोबडी इन द क्लास, इट वॉज